जा और देख कि राशि बहू और गोपी बहू ने सारा सामान छाट लिया है जिसका हमें बंटवारा करना है। जी बा। अरे बाप। चुप, अब कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आखिर हमारी चाल कामयाब हो ही गई। क्या हुआ गोपी? अब मैं वही सब कर रही हूं ना जो तू चाहती थी। देख गोपी, मम्मी जी और काकी जी को पास लाने के लिए तूने ही कहा था ना, और अब देख हो भी रहा है। ऐसे तू टेंशन क्यों ले रही है? देख, ये सब बा का सोचा समझा प्लान है। हम बस वही कर रहे हैं जो जो बा हमसे चाहती है। राशि बहू, गोपी बहू, तुम दोनों को अपने बा के लिए कुछ करना होगा। जी बा, कहिए। राशि बहू, तुमने जो सामान छाटा है वो कोकिला को दे के आओ, और गोपी बहू, तुमने जो सामान छाटा है वो हेतल बहू को दे के आओ। हाँ, अने एक बात याद रख, जो हमें उन दोनों के बीच मानसिक उथल पुथल बढ़ानी है, इसलिए ऐसी कोशिश करना कि ये दोनों आमने सामने आ ही ना सके। जी बा। प्लीज चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। गोपी बेटा, क्या ये सब करना जरूरी है? वो बा ने कहा तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी। वापस नहीं ले सकती, ये तो मैंने कोकिला को उसके मुंह दिखाई पे दिया था। हाँ काकी जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब बा ने कहा है तो। राशि, ये चांदी की चम्मच और कटोरी जिगर की वर्षगांठ पर मैंने तोहफे के रूप में दी थी, और दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लेते, मैं इसे नहीं ले सकती।
उसी दिन की फोटो है जिस दिन आपने ये तोहफा। ये छोटा सा प्यारा सा जिगर है और ये तुम हम बड़े भाई हैं। ये फोटो तुम्हारी है जब तुम 3 साल के थे। ये तो मोटा भाभी की धरोहर है। मैं नहीं रख सकती है। ये मोटा भाभी को दे दो राशि। मैंने कहा ना मैं इसे नहीं रख सकती। ये साड़ी तो मेरी है। ये कोकिला को बहुत पसंद थी तो मैंने उसे दे दी। मैं जिगर के पापा ये मैं कैसे ले सकती हूँ? और जब किंजल का जन्म हुआ था तो हम ये पायल लाए थे। मोटा भाभी, आप सबको बाने कमरे में बुलाया। बोलो, ये स्वेटर किसके हिस्से में जाएगा? इसका ऊन हेतल बहू खरीद के लाई थी और उसको बुना था कोकिला बहू ने और पहना था जिगर ने। अवे मने समझ नहीं पड़तू कि ये किसको दिया जाए। राशि पर बाप इसे काट दूं? या फिर बोलो तो कोकिला बहू को दे दूं? या बोलो तो हेतल बहू को दे दूं? ठीक है, काले सवारे सोची ने जवाब आपी जो। राशि बहू, गोपी बहू, जैसे मैंने कहा था वैसे सब सामान छाट लिया है ना? तो अवे तमे लोग अहियाथी जाओ अने विश्राम करो।